बगरा विकास खंड के ग्राम लड़वा में बीती रात दलित समाज के लोगों के द्वारा जिला पंचायत निधि से गांव के सड़क के बीच में को कराए जा रहे नाला निर्माण के विरोध में जमकर हंगामा व नारेबाजी की गई। इस दौरान हंगामा कर रहे ग्रामीणों व महिलाओं ने नाला निर्माण न रुकने पर गांव से पलायन व धर्म परिवर्तन तक की भी शासन प्रशासन को धमकी दी है। साथ ही बीजेपी सरकार में दलितों पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है, जिसमें ग्राम प्रधान लड़वा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नजदीकी है, जिसके चलते प्रधान दलित समाज के लोगों को जान बूझकर परेशान व उत्पीड़न किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत निधि से बनवाए जा रहे इस नाला निर्माण में ग्राम प्रधान जान बूझकर के नाले को दलित बस्ती की ओर कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया, नाला निर्माण होने से यहां पर पहले से अधिक जलभराव की समस्या होगी, क्योंकि जिस स्थान पर नाला निर्माण हो रहा है वहां पर पहले से ही वाटर लेवल अधिक है और बिना बरसात के भी उक्त दलित बस्ती में जलभराव की समस्या रहती है। उसके अलावा ग्रामीणों का कहना है, बीच रास्ते में नाला निर्माण होने से यहां पर कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि ग्राम का मुख्य मार्ग होने के चलते यहां पर भारी वाहनों का भी आना जाना है और इस मुख्य रास्ते पर कई अन्य गांव भी जुड़े हैं। इस नाला निर्माण के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है, जिसके चलते वहां पर झगड़े की भी स्थिति बन सकती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय व जिला प्रशासन से इस नाला निर्माण को रुकवाने की मांग की है। अगर जिला प्रशासन इस समस्या का कोई समाधान नहीं करता है तो दलित समाज के लोग या तो आत्मदाह कर लेंगे या धर्म परिवर्तन कर लेंगे व गांव से पलायन कर जाएंगे। इस मामले ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व एसडीएम सदर के कार्यालय बृहस्पतिवार को एक ज्ञापन भी दिया, जिसके चलते आज लड़वा में जिला प्रशासन मामले की जांच के लिए आ सकती है। इस दौरान पूर्व प्रधान ऋषिपाल, सोपाल, सोराज, कृष्णपाल, ओमकार, ओमपाल, आजाद वीर व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।